आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। प्रदेश के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने एक बार फिर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रदेश में निकाली जाने वाली रथ यात्रा पर निशाना साधा। ओपी धनखड़ ने इस रथ यात्रा को रथ यात्रा के बजाय बगावत यात्रा करार दिया। मंत्री ओपी धनखड़ का मानना है कि ये एक तरह से हुड्डा की पार्टी के खिलाफ बगावत यात्रा है, जिसका आमजन को तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस बगावत यात्रा से खुद हुड्डा को जरूर नुकसान उठाना पड़ सकता है। ओपी धनखड़ मंगलवार को झज्जर में आमजन की समस्याएं सुनने के बाद मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। आपको सुनाते हैं कि इस दौरान ओपी धनखड़ ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए क्या क्या कहा। पहले ये स्पष्ट करें कि यात्रा उनकी किस भूमिका में हो रही है, कि ना तो वो कांग्रेस के विधायक दल के नेता है और ना ही वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, और मुझे नहीं लग रहा कभी अभी भी कहीं से भी कि कांग्रेस पार्टी ने उनको ऐसी कोई यात्रा निकालने का जो है दायित्व तो सौंपा है, और दायित्व तो नहीं सौंपा है तो ये बगावती यात्रा है। इसलिए मैंने कहा था कि ये जन क्रांति नहीं, जन भ्रांति यात्रा है। यात्रा सवर निकालें, यात्रा किरण निकालें, या हुड्डा जी को भी जिम्मेवारी दी हो तो राहुल जी अगर उनकी यात्रा को शुरू कराने जा रहे हैं, या किरण चौधरी और अशोक तंवर झंडी दिखाने जा रहे हैं, तब तो हम ये मान सकते हैं कि ये पार्टी की विधिवत यात्रा है। देखो, ये कांग्रेस में भी भ्रांति पैदा करेगी और लोगों में भी भ्रांति पैदा करेगी। तो वस्तुतः तो फिर ये बगावती यात्रा है कि उनको जो उनकी जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, इसलिए वो यात्रा नहीं। वहीं इस दौरान ओपी धनखड़ ने अपनी सरकार की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि विपक्ष भले ही सरकार के बारे में कितना ही दुष्प्रचार क्यों ना कर ले, लेकिन प्रदेश की जनता सब जानती है और प्रदेश की जनता अगले चुनावों में भी बीजेपी को ही अपना समर्थन देगी। सत्य खबर के लिए झज्जर से सन्नी खन्ना की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।